भोपाल में विभिन्न स्थानों पर रंगों के त्योहार होली को मनाया गया, जिसमें आज मुख्य रूप से भोपाल मंडल रेल कर्मचारी की ओर से वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ द्वारा पश्चिम रेल कार्यालय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होली मिलन कार्यक्रम का समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे अशोक शर्मा जी, राजेश तिवारी जी, आलोक मालवी, बहन दीप्ति शर्मा, राजेश पांडे, के एन गुप्ता, जितेश अंशु भटनागर, बहन मालती साहू, दिनेश चकोदिया, श्याम बिहारी, मनोज प्रमोद। इसी प्रकार बड़ी संख्या में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अगर कैसे रखा जाए कार्यक्रम? हर वर्ष की तरह इस बार भी रेलवे विभाग में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने होली मिलन कार्यक्रम रखा है। आप देख रहे हैं सारे रेल कर्मचारी पूरे जोश से, उत्साह से, कोरोना वायरस को धता बताते हुए पूरे रेल कर्मचारियों से मिलने का काम कर रहे हैं। होली होली है। क्या संदेश देना चाहते हैं आज? आज का संदेश ये है कि देश में जो बांटने की राजनीति चल रही है, उस राजनीति से ऊपर उठ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सब भाई भाई का नारा देना है। हैप्पी होली। मैं आलोक मालविया जी, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता विद्युत अनुरक्षण भोपाल जी। मेरे समस्त रेल कर्मचारी, विद्युत विभाग के सभी रेल कर्मचारियों को जी। पूरे भारतवर्ष में रेल कर्मचारियों को, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को होली की मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये रंग बिरंगा त्यौहार हमारे जीवन में प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक रूप से ये तथ्य सर्वभौम उजागर हुआ है कि रंगों का त्यौहार जिस मौसम में आता है, ये जो संक्रांत काल होता है जब हम सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं, ये रंगों का त्यौहार और इसमें मीठी गुजिया, मीठे पकवान और ये सब खाना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी तनाव आया उससे मुक्त होने के लिए ज़रूरी है और हम सब आज रंगों का त्यौहार मना रहे हैं। भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है और हमारे मंडल रेल प्रबंधक ने इस संबंध में कोरोना वायरस को लेकर गीली होली खेलने से और बाकी चीज़ों से परहेज करने के लिए कहा है, हमने उसका अक्षरशः पालन किया है। यहाँ हम सब कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और कोरोना वायरस को लेकर एक जागरूकता भी हम इस आज होली के माध्यम से हम देना चाहते हैं लोगों के बीच में कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करें और जहाँ कहीं भी संक्रमण की स्थिति हो या वैसी कोई परिस्थिति बने तो उससे अपने आप को बचाएँ। उसके लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है, उसका टेलीफोन पर और टीवी, टेलीविज़न और अन्य माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। उसका ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को बचाना है और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और होली जोरदार से तरीके से मनाना। मेरे भाई राजेश तिवारी जी भी यहाँ पर हैं, एक मिनट उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि सर बताइए क्या उल्लास है, क्या खुशी है रेल विभाग में सर होली के टाइम पर, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो रेल कर्मचारियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार कोई रेल कर्मचारियों का नहीं है तो भारतवर्ष का त्यौहार है और उसी परिप्रेक्ष्य में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है क्योंकि मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने बाकायदा सभी को मैसेज दिया है कि इस बार थोड़ा सचेत होकर हमें होली मनाना है। जिस प्रकार का कोरोना वायरस फैलने का डर है उससे हमें सावधानी पूर्वक इस बार होली मना रहे हैं। ज़्यादा हुड़दंग नहीं है किसी प्रकार का, ना ही किसी प्रकार का पानी का उपयोग कर रहे हैं। इसमें फूलों के रस से बना हुआ गुलाल का उपयोग किया जा रहा है। अभी रेल कर्मचारियों से मिले हैं और यहीं पर हम समाप्ति करेंगे। ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरे दिन जिस तरह से होली मनाई जाती थी इस बार नहीं मनाएंगे और DRM साहब भी इस बार होली नहीं मना रहे हैं तो उन्हीं के आदेश अनुसार हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति शर्मा है, मैं भोपाल में AN मेंटेनेंस ओपन लाइन पोस्टेड हूँ और आप सबको होली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि हम लोगों को कलर्स वगैरह मिनिमम यूज़ करने हैं, सूखे रंगों से आप होली मनाइए और साफ़ सफाई का स्पेशल ध्यान दीजिए। हाथ प्रॉपरली जब भी बाहर जाएं और बाहर से घर पे आएं, हाथ पर अच्छे से रनिंग वाटर में धोइए खाना खाने से पहले और बाकी सारी चीज़ों में आप हैंड वॉश करके ही प्रॉपर वो करिए। और कभी आप देखते हैं कि कोई बंदा स्नीज कर रहा है या जिसको सर्दी जुकाम हो रखा है तो डिस्टेंस मेंटेन करें और साफ़ सफाई से करें। स्वच्छ भारत के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? स्वच्छ भारत के लिए
पहली बात तो कोई दिन नहीं होता, आप कभी भी या कहीं ऑफिस में है या घर में है, आपको जो भी चीज़ लगता है कि ये गंदा है तो आप खुद से आप साफ़ करना चालू करें, तो आप आसपास के सभी लोग प्रेरित होंगे और जहाँ बैठे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, आप सिर्फ उतना ही साफ़ कर लेंगे तो स्वच्छ भारत अपने आप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांश मिश्रा, मैं WCRMS का मंडल यूथ उपाध्यक्ष। जी क्या कहना चाहते हैं रेलवे आज आज होली की ओर से आप? मैं होली की ओर से सभी रेल कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।